ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मैटलैब को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, और आज हम मैटलैब के ज़रिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लोअर एंड अपर फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। तो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ टू कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं, ए इज़ इक्वल टू मैटलैब में जिस तरह हम नॉर्मल रूटीन में मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसके लिए ब्रैकेट लगाते हैं, मैटलैब में भी हम ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड नाउ द फर्स्ट रो वैल्यूज 1 स्पेस -3 स्पेस -2, स्पेसेस का ध्यान रखना है। उसके बाद सेकेंड रो के लिए हमें एंटर दबाना पड़ेगा, एंड सेकेंड रो वैल्यूज 2 -4 -3 एंटर -3 स्पेस 6 स्पेस 8, और मैट्रिक्स को जब हमने क्लोज करना है तो अगेन ब्रैकेट लगानी एंड देन प्रेस एंटर। तो मैटलैब आपको शो करेगा कि आपने जो मैट्रिक्स है सेव किया उसकी वैल्यूज कौन सी हैं। अगर इसमें कोई गलती है तो आप दोबारा से मैट्रिक्स लिख लें, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। तो अब हमें बी डिफाइन करना, कॉलम मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ब्रैकेट 6, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स है तो हम एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 8 एंटर 5 एंड ब्रैकेट क्लोज। इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि जो मैट्रिक्स है ये अलाइनमेंट में नहीं लिखा जा रहा। ओके फाइन, रिजल्ट तो अलाइनमेंट में आ रहा है। तो बी इज इक्वल टू 685। मैट्रिक्स को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे ईजी वन जो है वो ये है, और ये सिंपल भी है, और इसके लिए आपको मैटलैब का जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि हम जो मैट्रिक्स ए है इसको इसके एसोसिएटेड लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करें। तो उसके लिए एक कमांड लिख रहा हूँ, ये आपने गौर से देखनी है, स्क्वेयर ब्रैकेट कैपिटल एल फॉर लोअर ट्रायंगुलर मेथड स्पेस यू फॉर अपर ट्रायंगुलर मेथड एंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल स्मॉल एल यू। ये लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर के लिए फॉर्मूला है, ब्रैकेट्स आप बेशक दोनों पहले लगा लें, और इसके अंदर हमें लिखना है एस वाई एम, एस वाई एम फॉर सिम्बॉलिक ए। अब एज यू हैव नो नॉलेज ऑफ मैटलैब तो आपने इसे परेशान नहीं होना, जस्ट आप इसको सिम्बॉलिक एस वाई एम ए लिखते हैं, इससे आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे एसोसिएटेड लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मेथड, और इसकी शेप थोड़ी सी प्रीवियस मैट्रिक्स से चेंज होगी, यहाँ पर कॉमास के साथ आ रहा है। तो आपने हमें जो आंसर चाहिए वो तो मिल गया, इससे आप परेशान ना हो। अब हमारे पास लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आ गए हैं। अब हमने सिस्टम को आगे लेकर चलते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि यू एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास जो अब इक्वेशन बन जाएगी इट विज बी एल वाई इज इक्वल टू बी। तो अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये ऐसे ही है जैसे आप एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इन्वर्स मैथड से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स एल है इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब इन्वर्स के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट होना चाहिए, तो लेट्स फाइंड द एडजॉइंट। उसके लिए हमें कमांड लिखेंगे एडजॉइंट ब्रैकेट कैपिटल एल। मैटलैब जो है वो केस सेंसिटिव है, इसके अंदर स्मॉलर और कैपिटल वर्ड्स की मिक्सिंग नहीं करनी, ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, तो इसलिए अगर यहाँ पर मैं स्मॉल एल लिखूंगा तो एरर आ जाएगा, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो एडजॉइंट ऑफ एल वी गॉट द रिजल्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ एल यू गॉट द रिजल्ट। अब हम यहाँ पर लिखते हैं इनवर्स, तो इनवर्स, और चूंकि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं तो वी विल राइट एल फॉर मैट्रिक्स एल इनवर्स, और फिर आगे जब हम यू का इनवर्स निकालेंगे तो हम इनवर्स यू लिखते हैं। तो इनवर्स ऑफ एल इज इक्वल टू एडजॉइंट ब्रैकेट कैपिटल एल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ब्रैकेट एल, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। अब हमने जो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके लिए वी कैन राइट y इज इक्वल टू इनवर्स l, मल्टीप्लाई के लिए हम डायरेक्ट यूज करते हैं मल्टीप्लाई बाय कैपिटल b, दिस इज आवर रिजल्ट। अब हमारे पास जो इक्वेशन हमने सपोज की हुई थी यू एक्स इज इक्वल टू वाई, हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगेन उसके लिए हमारे पास u का इन्वर्स होना ज़रूरी है, और उसको भी हम सेम मेथड से पहले एडजॉइंट निकालेंगे u का, फिर डिटर्मिनेंट, फिर इन्वर्स, और देन फार्मूला लगाएंगे इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स वाई। तो सेम स्टेप्स, एडजॉइंट, एडजॉइंट की कमांड लिखी एंड ब्रैकेट u,
यू हैव द आंसर. नाउ डिटर्मिनेंट, इसको आप साथ साथ अपने सॉल्यूशन में लिखते जाएं. डिटर्मिनेंट ऑफ यू इज द डिटर्मिनेंट ऑफ यू इज इक्वल टू 7. नाउ इनवर्स, u is equal to adjoint of u divided by determinant of u. So this is your inverse matrix. Now we go for the solution. X is equal to inverse u multiplied by matrix y. And this is our result. और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको decimal में values चाहिए instead of rational format, तो आप डेसिमल में वैल्यूज हासिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको अलग से कैलकुलेटर में इसको पुट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट द कमांड डबल ब्रैकेट एंड एक्स. ये क्या करेगा, ये आपको डेसिमल में आंसर दे देगा. इसी तरह अगर आप ऊपर जितने भी हमने मैट्रिक्स लिखे हुए हैं उनको भी डेसिमल में पुट करना चाहते हैं, जैसे इनवर्स ऑफ यू है, तो मैं इधर लिख दूंगा डबल इनवर्स कैपिटल यू. लेकिन ये आपने ख्याल रखना है कि जो स्पेलिंग है वो सेम होने चाहिए. तो बेशक यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एंड प्रेस एंटर. तो दिस इज योर रिजल्ट. चलिए कॉपी पेस्ट का मैं आपको एक बता देता हूँ. से इनवर्स है, मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया कंट्रोल सी, और अब मैं नीचे कमांड में लिख लेता हूँ डबल ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं आप कंट्रोल वी करूँगा तो मेरे पास इनवर्स एल आ जाएगा एंड दिस इज इट्स डेसिमल वैल्यूज. तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो तो रैशनल फॉर्मेट में ही लिखे जाते हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस है. अगर वो डेसिमल में करना चाहता है तो आप ये डेसिमल वैल्यूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ुद निकाल सकते हैं. तो होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा. अब इसी तरह अगर हमने 3x3 का मैट्रिक्स लिखा है तो सेम जो प्रोसेस है आप 4x4, 5x5 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, जस्ट आपने मैट्रिक्स को क्रिएट करना है. इसी तरह यहाँ पर तीन वैल्यूज़ हैं तो वहाँ पर फोर वैल्यूज़ आ जाएंगी. लेट्स से ए इज इक्वल टू ब्रैकेट, तो फर्स्ट रो वैल्यूज़ 1 space 2 space 3 space 4 space 5. अगेन प्रेस एंटर एंड राइट द डिफरेंट वैल्यूज विद स्पेस. अगेन एंटर, अगेन एंटर. एंड ब्रैकेट क्लोज. तो ये आपको बस एक 5x5 का मैट्रिक्स बन जाएगा. तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा. लेकिन स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, पॉइंट आपको नहीं समझ आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.